महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन अब बैकफुट पर आ गई है। ईडी का नोटिस मिलने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने उसके दफ्तर जाने का ऐलान किया, जिसके बाद पवार समर्थक सड़कों पर आ गए और कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसके बाद शरद पवार घर से भी निकले, लेकिन अफसरों के मनाने के बाद वापस लौट गए। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का क्या कहना है, उनसे हमारे सहयोगी अजय झा ने बात की। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हैं, जो काफ़ी लंबे अरसे तक शरद पवार जी के साथ भी थे, एनसीपी में भी। शरद पवार के राजनीतिक चरित्र को अगर समझे, जिस तरह से ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उन्होंने नोटिस का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद जाऊँगा ईडी के पास। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव से ठीक पहले इस तरह का नोटिस देना, इस तरह का आरोप लगाना ईडी के द्वारा, यह स्पष्ट करता है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है उसको वो भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद सीधे मुकाबला करना मुनासिब नहीं होगा या उसमें कमज़ोरी दिखाई पड़ रही होगी। तो ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं या जिनकी साफ सुथरी छवि है और जो महाराष्ट्र के चुनाव में जिनकी भूमिका रहेगी, वैसे तमाम लोगों के छवि को बिगाड़ा जाए, और उसी उद्देश्य से ईडी के द्वारा उनको नोटिस दी गई है ताकि वो उसमें उलझ जाए और भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप हो जाए। तो ये सब एक साजिश है, एक चुनावी साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये काम कर रही है। हर राज्य में ऐसे जो भी लोग हैं उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, और उसमें सरकारी एजेंसियों का पूरा पूरा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि चुनाव में कितना असर होगा, चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या ये है सरकार की नीति कि अगर कोई फॉल इन लाइन नहीं करेगा तो उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, और ऐसे में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या सिंपैथी मिलेगा या फिर जो परसेप्शन सरकार बनाना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से शिवसेना का बयान आया है इस मुद्दे पर, ये जाहिर करता है कि वहाँ के लोगों की सिंपैथी पवार साहब के साथ है, और ये कोई भी वहाँ कोई भी महाराष्ट्र का जो मतदाता है ये बात पसंद नहीं करेगा कि पवार साहब को इस उम्र में, अब वो 80 की आयु पार करने वाले हैं या पार कर चुके होंगे, इस उम्र में उनको इस तरह की नोटिस देना और उनको प्रताड़ित करना, जाहिर है कि वो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में एक माहौल बनेगा, और शिवसेना का जो बयान उनके पक्ष में आया है ये उसमें और एक प्रकार से सहयोग करेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी का कहना है कि जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन 50 सालों का रहा हो और उनको इस उम्र में आके जिस तरह से एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उसका निश्चित रूप से एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को महाराष्ट्र में फायदा होगा, उस सिंपैथी का फायदा होगा। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।